Hello everyone, once again welcome back to our channel Cast Talent. Hope you guys are doing well and stay safe. आज आप लोग फिर से देखेंगे Cast Talent की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महिंद्रा की XUV700 और ये है इस गाड़ी का AX5 वेरिएंट। इंटीरियर की है, उसमें क्या खास किया है, आप सभी लोगों को पता है कि इस कार के अंदर जो इंटीरियर आता है वो आता है अपना कम्प्लीटली ब्लैक प्लस एम्ब्रे कलर का। उसी से ही हम लोगों ने इंटीरियर को मैचिंग का थोड़ा बहुत लुक दिया है। अब वो क्या लुक दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले अगर आप डोर्स देखेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डोर पे कोई लेदर अपहोल्स्ट्री आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक मिलता है जिसमें ड्राइविंग के वक्त नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर लेदर आप अपना थोड़ा सा अपहोल्स्ट्री इंस्टॉल कर दिया है विद एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ। आप देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने ब्लैक कलर के अंदर रखा है, तो यूसेज होने वाला है तो जल्दी गंदा ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इस वाले पार्ट को ब्लैक कलर का रखा है। चलते हैं इसके स्टेयरिंग की तरफ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टेयरिंग अगर रबर का होता है तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और ड्राइविंग के वक्त कुछ भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसके स्टेयरिंग को भी लेदर रैप कर दिया है। अगर बात करें कि स्टेयरिंग लेदर रैप होने के बाद फिनिशिंग कैसी आ रही है तो एक लुक आप देखिए, या पीछे की तरफ से भी आप इसका लुक चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके का लुक कम्प्लीटली इसके अंदर हम लोगों ने दिया हुआ है। उसी के साथ इंटीरियर ऑलरेडी डुअल कलर के अंदर आता है। सीट्स पे डार्क लुक ना देके हम लोगों ने इसके सीट्स को लाइट लुक दिया है। डिजाइनिंग क्या की है, सीट्स पे लेदर यूज किया है, वो हम लोगों ने किया है आर्टिफिशियल सिल्क नापा, जो कि नापा लेदर की काफी प्रीमियम रेंज है। अब बात करते हैं कलर कॉम्बिनेशन की, इस सीट को हम लोगों ने कम्प्लीटली दे दिया है लाइट कलर का लुक, एम्ब्रे कलर में हम लोगों ने कम्प्लीटली इसकी सीट रेडी की है। डिजाइनिंग की बात करना चाहती हूँ गाइज, ये डिजाइन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है इस सीट के अंदर कुछ डिफरेंट करने के लिए। आपने परफोरेशन वाला डिजाइन मेरी वीडियो में देखा है, डायमंड का डिजाइन मेरी वीडियो में देखा है, आज मैं कुछ डिफरेंट डिजाइन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो आप देख सकते हैं सेंटर पे हम लोगों ने फोल्डिंग डिजाइन दिया हुआ है विद एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ, हर एक फोल्ड आप इसका चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में अगर मैं इसके थ्रेडवर्क की बात करूँ कि लाइट कलर के साथ किस तरीके का थ्रेडवर्क यूज हो सकता है, सो हम लोगों ने मैचिंग ही इसकी रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने आइस ग्रे कलर का ही थ्रेडवर्क अपना इसके अंदर यूज किया हुआ है ताकि इंटीरियर के साथ और बाकी पार्ट्स के साथ अपना कम्प्लीटली मैच हो सके। आपको अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हम लोग कस्टमाइज सीट लेदर अपहोल्स्ट्री में डील करते हैं, इसमें आप अपने सीट्स का कोई सा भी डिजाइन बनवा सकते हैं, कोई सा भी कलर पैटर्न ले सकते हैं। अगर आपको इसका ये डुअल टोन कलर पसंद नहीं है, आपको कुछ डिफरेंट कलर कराना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लाइट कलर्स मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि लाइट कलर्स बहुत जल्दी गंदे तो होते हैं बट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उसी के साथ अगर आप लाइट कलर्स अपनी कार के अंदर नहीं लेना चाहते तो आप डार्क कलर का भी, ब्लैक कलर का भी सीट कवर ले सकते हैं, वो भी इस इंटीरियर के साथ काफी अच्छा लगने वाला है। उसमें हम लोग क्या डिफरेंट कर सकते हैं उसके लिए आपको हमारे आउटलेट पे विजिट करना होगा। साथ ही में अगर मैं बात करूँ सीट्स की तो आप फिर से देखेंगे कि सीट्स में कहीं से भी कोई भी रिंकल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। विद OEM कारपेट एंड बीडिंग के साथ हम लोगों ने इसको रेडी किया हुआ है। इसकी हेडरेस्ट की बीडिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल अपना एक्यूरेट फिनिशिंग के साथ दी हुई है। सीट्स इसकी ऑलरेडी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है बट इसका कंफर्ट लेवल और भी ज्यादा बड़ा कुशन इसके अंदर एड ऑन की हुई है और इस तरीके का आपको कंपनी की ही तरफ से यहाँ पे हल्का सा थाई सपोर्ट इस तरीके का आपको दिया जाता है ताकि आपकी ड्राइव और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि ये है एक लग्जीरियस कार। लग्जीरियस कार के साथ साथ आज हम लोगों ने इसके फ्लोर को भी कुछ लग्जीरियस लुक दी है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि इसके फ्लोर को हम लोगों ने कम्प्लीटली 90 फ्लोरिंग से अपना प्रोटेक्ट कर दिया है। सो आप देखेंगे हर एक एक जितना भी फ्लोर का पार्ट है आगे से लेके पूरा पीछे तक वो हम लोगों ने अपना फ्लोरिंग में कवर अप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही में आपको कुछ इस तरीके का हैवी क्वालिटी का, मतलब आपने काफी सारे मैट की क्वालिटी देखी हुई, ग्रास मैट की क्वालिटी की, वो इतने ज्यादा थिक नहीं होते बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग काफी थिक क्वालिटी का अपना ग्रास मैट यूज करते हैं। साथ में आपको इस तरीके का टच बटन भी दिया जाता है जिससे कि आप इजीली अपना ग्रास मैट को क्लीन कर सकते हो। आमरेस की तरफ से आमरेस में भी आप देखेंगे हम लोगों ने कम्प्लीटली एक सिंगल टोन का ही आमरेस इस पर रेडी किया हुआ है विद एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ। थ्रेडवर्क आप देखो, आप देखेंगे सबसे पहले फ्रंट सीट का बैक क्या होता है ओरिजिनल कार्पेट एंड बीडिंग। हेडरेस पे आप ऑलरेडी देख चुके हो कि ये ओरिजिनल कार्पेट एंड बीडिंग होता है, इसी के थ्रू ही हम लोग आपके सारी चीज़ों को स्टिच करते हैं। जैसे कि आपकी ओरिजिनल फैब्रिक की सीट स्टिच होके आती है या फिक्स्ड होके आती है या टॉप एंड वेरिएंट में जो सीट्स आती हैं उसी
फॉर्मेट पे हम लोग वर्क करते हैं। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ हम लोगों ने ओरिजिनल कारपेट एंड बेडिंग भी इसका इंस्टॉल किया हुआ है, आपके ओरिजिनल फैब्रिक सीट के साथ ही इंक्लूड होके आता है। सो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कोई भी रिंकल देखने को नहीं मिलता है। AX5 वेरियंट में आपको मिडल सीट में कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता है। सो आप यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी राइड को और भी ज्यादा कम्फर्टेबल बनाने के लिए। तो आर्मरेस्ट की ऑलरेडी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अगर कोई न्यू कस्टमर्स है, न्यू व्यूअर्स हैं, वो देखना चाहते हैं किस तरीके का आर्मरेस्ट हम लोगों ने रियर में इंस्टॉल किया था, वो भी स्पेशली वो दी AX5 वेरिएंट, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप इजिली उसको चेकआउट कर सकते हो कि कैसी उसकी फिनिशिंग आई थी और किस तरीके का आर्मरेस्ट हम लोगों ने उसके अंदर लगाया है। और अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग रेंज की, XUV700 के कस्टमाइज सीट अपहोल्स्ट्री 11,500 से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आप कोई सा भी लेदर चूज कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। जो भी आप लेदर चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस वेरी होंगे। डिजाइन आप अपनी चॉइस से कोई सा भी हम लोगों से बनवा सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जैसा इंटीरियर आपको चाहिए वैसा इंटीरियर हम आप लोगों को करके देंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, अपने अवेलेबल कमेंट्स गाइस नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल देना मत भूलना कि आपको हमारा वर्क कैसा लगा, या जो हम अपने कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं या जो न्यू डिजाइनिंग किया हम लोगों ने यहाँ सीट के अंदर वो आप लोगों को कैसी लगी। कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने इंटीरियर से मैचिंग का ही लिया है, हम ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते थे बट लाइट कलर से कार थोड़ी सी स्पेशियस लगती है, वो सब आपको कैसा लगा। तो गाइज प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके हर एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, चाहे वो आपका कमेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप कमेंट जरूर। तकरीबन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल देरी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लिए कास्ट टैलेंट के लिए थोड़ा सा प्यार दिखाइए। विजिट करने के लिए या कोई भी क्वेरी करने के लिए नंबर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई सा भी लोकेशन पे विजिट कर सकते हैं, अपनी नियरेस्ट लोकेशन आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस फिर से मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।